हेलो स्टूडेंट इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट प्री फॉर्मुलेशन। फॉर अ ब्रीफ रिव्यू प्री फॉर्मुलेशन कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग टू डेवलप अ सेफ इफेक्टिव एंड स्टेबल डोजेज फॉर्म हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमें प्री फॉमुलेशंस में कुछ केमिकल और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है जिनका इंपॉर्टेंस फॉर्मुलेशन में सो इन दैट लिस्ट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फिजिकल फॉर्म एंड पॉलीमोर्फिजम व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल फॉर्म वी आर मोर कंसर्नड अबाउट सॉलिड्स

और लास्ट में गैसेस एंड अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फॉर्म सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज एमोरफस और क्रिस्टलाइन दिस डिफ्रेंसिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर पहले हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स की या सॉलिड्स की दीज आर करक्टराइज बाई द रिपिटिशियस स्पेसिंग ऑफ कंस्टिटवेंट एटम और मॉलिक्यूल इन अ थ्री डायमेंशनल एरे तो किसलाइन कंपाउंड्स में जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो एक प्रॉपर पैटर्न में एक रिपीटिशियस स्पेसिंग के साथ अरेंज होते हैं इन अ थ्री डायमेंशनल एरे रिपीटिशियस का मतलब है एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है उनका जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर एक ऑर्डर में है एक पैटर्न में है ये प्रॉपर्टी है आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर हम बात करें एमॉर्फस की इन फॉर्म एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली प्लेस्ड एज इन अ लिक्विड एंड दे डू नॉट शो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इनमें कोई ऑर्डर दिखाई नहीं देता है बल्कि क्रिस्टलाइन में हमें एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलता है अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं लेफ्ट में आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं एक रिपीटिशन के साथ अरेंजमेंट है जबकि एमोर्फस में आप देख सकते हैं जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली प्लेस्ड है दीज आर सम ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रिस्टल्स यू माइट हैव स्टडीड इन फिजिकल फार्मास्यूटिक्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस डिज वॉट इज द इफेक्ट ऑफ द फिजिकल फॉर्म इन रिलेशन टू प्री फोर्मुलेशन दो पॉइंट हमें डिस्कस करने इसमें सबसे पहले आपका मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द क्रिस्टल लेटिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट वेयर एज एमॉरफस सॉलिड्स हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड दे मेल्ट ओवर आ टेम्परेचर रेंज क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एटम्स मॉलिक्यूल्स को अरेंजमेंट है इसलिए वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होते हैं जबकि एमॉर्फस जो है वो रेंडमली प्लेस्ड है उसमें एटम्स मॉलिक्यूल्स इसलिए एमॉर्फस सॉलिड्स का कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता दे मेल्ट ओवर अ टेम्परेचर रेंज दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस हमें करना है दैट इज सॉलिबिलिटी एमॉर्फस सॉलिड्स रिप्रजेंट द हाइएस्ट एनर्जी स्टेट एंड दे कैन बी कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स बिकॉज द अरेंजमेंट जैसे लिक्विड्स में रैंडम होता है ऐसे ही एमॉर्फस सॉलिड्स में भी रैंडम अरेंजमेंट होता है एटम्स मॉलिक्यूल्स का इसीलिए हम इनको सुपर लिक्विड कूल्ड लिक्विड्स कह सकते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स हैव ग्रेटर सॉलिबिलिटी देन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वाई द रीजन इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ए मॉलिक्यूल फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड फॉर अ नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड क्योंकि क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स का अरेंजमेंट प्रॉपर ऑर्डर में है एक स्पेसिफिक पैटर्न है उस पूरे क्रिस्टल को सॉल्यूशन फॉर्म में लाने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है एज कंपेयर टू अ नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड्स की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है इसमें एग्जाम्पल है आपका एमोरफस फॉर्म ऑफ नोवो बायोसिन इज टेन टाइम्स मोर सोलबल दैन द क्रिस्टलाइन फॉर्म नाउ विद रिगार्ड टू द स्टेबिलिटी अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो क्रिस्टलाइन फॉर्म इज मोर स्टेबल एग्जाम्पल इज पेने जी इज मोर स्टेबल इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड मेजोरिटी ऑफ द ए पी आई आर क्रिस्टलाइन ट अबाउट सॉलिबिलिटी एमॉर्फस सॉलिड हायर सॉलिबिलिटी अभी हमें यह देखना है कि सॉलिबिलिटी हम बार बार बात करें उसके इंपॉर्टेंस क्या है अगर सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी ज्यादा डिजोल्यूशन होगा और ज्यादा ही बायो अवेलेबिलिटी होगी आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा कि ड्रग को एब्सॉल्व होने से पहले गैस्ट्रिक फ्लूड में डिजॉल्व होना होता है डिजोल्यूशन इज अ फर्स्ट स्टेप अगर सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी किसी सॉलिड की जल्दी डिजोल्व होगी गैस्ट्रिक फ्लूड में और फिर जाके वो एब्सॉर्व होना शुरू होगी तो हायर सोलबिलिटी हायर रिजोल्यूशन एंड हायर बायो अवेलेबिलिटी लेकिन अमोरफस का मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया कि हायर, हायर एनर्जी स्टेट में रहते हैं तो वो रिवर्ट होना चाहते हैं वो चेंज होना चाहते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो कोशिश करनी चाहिए कि हम क्रिस्टलाइन फॉर्म ही यूज करें बिकॉज दे आर मोर स्टेबल लेकिन अगर कहीं पर सॉलिबिलिटी का इश्यू आता है और अगर हम एमोरफस सॉलिड यूज करके सॉलिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं तो वहां हमें एमोरफस सॉलिड्स को यूज करना चाहिए अब दूसरा पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट वो है कि सोलिबिलिटी कैन बी अल्टर्ड बाय मॉडिफाइंग द क्रिस्टल फॉर्म क्रिस्टल फॉर्म को मॉडिफाई करके हम सोलिबिलिटी को चेंज कर सकते हैं अब एमोरफस की अपनी प्रॉपर्टी है एमोरफस डिजोल्व ईजिली एंड दे शो फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी डिजोल्व होते हैं और फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन शो करते हैं वेर एज क्रिस्लाइन फॉर्म डिजॉल्व स्लोली डिले द ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड प्रोलॉन्ग द ड्रग रिलीज तो दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं अगर इन दोनों टाइप के सॉलिड्स को हम कंबाइन कर दें तो हम दोनों इफेक्ट्स पा सकते हैं इसके बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका लेंटे इंसुलिन जिसमें सेवेंटी परसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है थर्टी परसेंट एमोरफस होता है तो एमॉर्फस से क्या होता है जल्दी ऑफ एक्शन मिलता है हमें और क्रिस्टलाइन फॉर्म से हमें प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिल सकता है तो ये इस तरह हम फिजिकल फॉर्म चेंज करके सॉलिबिलिटी को ऑल्टर कर सकते हैं अब बारी आती है कि हमें कैसे पता चलेगा हाउ विल वी डिटरमाइन वेदर द सॉलिड इज

आप इतना समझिए कि एक्सरे जो है वो सॉलिड के थ्रू पास किया जाता है तो उसमें एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है एमोरफस क्या करेंगे दे ड नॉट प्रोड्यूस अ पैटर्न कोई पैटर्न नहीं दिखाई देगा वेर दे कॉजेज एक्सरे टू स्कैटर इन अ रिप्रोड्यूसिबल पैटर्न ऑफ पीक इंटेंसिटीज तो नीचे वाले पिक्चर में आप नीचे देख सकते हैं जहां पर क्रिस्टलाइन है वहां पर एक पीक्स आपको दिखाई दे रही है और एमॉर्फस में किसी तरह का कोई पैटर्न नहीं मिलता है तो इस तरह हम एक्स आर पी डी यूज करके पता लगा सकते हैं कि हमारा सॉलिड जो है मॉर्फस है या फिर क्रिस्टलाइन है नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमें स्टडी करी दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म व्हेन अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म द डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म कोई सॉलिड सब्सटेंस जब एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उन फॉर्म्स को हम कहेंगे पॉलीमोफ्स और उस फिनोमेना को कहा जाएगा पॉलीमोर्फिज पॉलीमोफ्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली दे आर दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सॉलिबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी हार्डनेस कंप्रेसिबिलिटी एक्सेट्रा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज पॉलीमॉफ्स की सेम होती हैं अब पॉलीमॉफ्स आपके दो तरीके के हो सकते हैं द फर्स्ट कैटेगरी इज इनशियोट्रॉपिक पॉलीमोफ्स द पॉलीमोविच कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय वेरिंग द टेम्परेचर और प्रेशर इज कॉल्ड एस इनशियोट्रॉपिक पॉलीमोफ्स फॉर एग्जाम्पल सल्फर टेम्परेचर प्रेशर चेंज करके हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं अदर इज मोनोट्रॉफिक वन विच इज अनस्टेबल एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज मोनोट्रॉफिक ठीक है पॉलीमोव कैन बी प्रिपेयर्ड बाय क्रिस्टलाइजिंग द ड्रग फ्रॉम डिफरेंट सॉल्वेंट अंडर डायवर्स कंडीशन तो कंडीशंस चेंज करके सॉल्वेंट्स चेंज करके हम डिफरेंट पॉलीमॉर्फ्स को प्रिपेयर कर सकते हैं अब यहां जो इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी जो है जो समझनी है दैट इज वन ऑफ द सेवरल पॉलीमॉर्फ्स विल बी फिजिकली मोर स्टेबल देन अदर्स बहुत सारे पॉलीमॉर्फ्स में से एक पॉलीमॉर्फ ऐसा होगा जो स्टेबल होगा फिजिकली उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी यू हैव स्टडी दैट ऑल द स्टेबल compounds आर इन द lowest एनर्जी स्टेट तो सबसे स्टेबल polymorph जो होगा उसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा इट विल बी एट द लोस्ट एनर्जी स्टेट तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा फिक्स्ड होगा प्रॉपर ऑर्डर में होगा और उसका लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होगा जिसके कारण उसको मेल्ट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इट हैव

एंड द रिमेनिंग पॉलीमोव आर कॉल्ड एज मेटा स्टेबिल स्टेबिल पॉलीमोव के अलावा बाकी जितने पॉलीमोफ्स हैं बाकी सबको हम कहते हैं मेटा स्टेबल और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी दे विल हैव द हाइस्ट एनर्जी स्टेट दे विल हैव द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड दे विल हैव हाइएस्ट एक्व सोलिबिलिटी तो आप देखोगे इन तीनों प्रॉपर्टीज में मैंने हाइएस्ट एक्व सोलिबिलिटी को बोल्ड में लिखा है वाई टल स्टेबल फॉर्म शोज ग्रेटर बायबलिटी एंड दे आर सो प्रफर्ड इन फॉर्मुलेशन जैसे मैंने पहले बताया आपको सोलबिलिटी ज्यादा होगी ड्रग आपकी जल्दी सोल्यूशन फॉर्म में जाएगी जीआईटी में और जल्दी एब्जॉर्ब होगी इसलिए मेटल स्टेबल फॉर्म को हम फॉर्मुलेशन में ज्यादा प्रिफर करते हैं आप लेफ्ट बॉक्स में दो एग्जाम्पल दे सकते हैं फर्स्ट इज क्लोरम एग्जिस्ट इन

पोलीमॉफ्स हैं दे हैव द हाइस्ट एनर्जी स्टेट तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अनस्टेबल हैं इट कैनोट बी कॉल्ड एज अनस्टेबल बिकॉज इफ कैप्ट ड्राई इट विल रिमेन स्टेबल फॉर ईयर्स अगर उसको हम ड्राई रखेंगे इट विल रिमेन स्टेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बट द मेटर स्टेबल फॉर्म टेंस टू कन्वर्ट इन टू द स्टेबल फॉर्म वो कन्वर्ट होना चाहता है स्टेबल से स्टेबल में इसको हम रोक सकते हैं दिस कंडीशन कैन बी कन्वर्जन कैन बी इनिबिटेड द फर्स्ट टेक्निक इज बाय डीहाइड्रेटिंग द मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट्स रिमूविंग द वाटर और बाय एडिंग विस्कोसिटी बिल्डिंग एजेंट्स लाइक पीवीपी सीएमसी पेक्टिन और जेलेटिन व्हिच एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल्स तो इन दो टेक्निक के जरिए हम मेटास्टेबल फॉर्म को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं नाउ पॉलीमॉर्फिक स्क्रीनिंग हाउ विल वी कम टू नो दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फ्स आर देयर द फर्स्ट इज अगेन द सेम टेक्निक दैट इज एक्सआरपीडी दैट इज एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन एक्सरे पास करेंगे क्रिस्टल से और अलग अलग पॉलीमॉवस के हमें अलग अलग पीक्स दिखाई देंगी डिफरेंट डिफरेंट पीक्स विल भी सीन दूसरा टेक्निक है आपका डी जो कहलाता है आपका डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री इट डिफरेंशिएट पॉलीमॉवस ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड द हीट ऑफ फ्यूजन अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट से अलग अलग हीट ऑफ फ्यूजन से हम जो आप ग्राफ देख रहे हैं पिक्चर में जो पीक्स दिखाई दे रही हैं उसके जरिए डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें कितने पॉलीमोफ्स हैं इस कंपाउंड में तो मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे और हीट ऑफ फ्यूजन के बेसिस पे जो करता है वो कहलाता है मैकेनिज्म बिहाइंड इट दैट्स ओनली इज रिक्वायर्ड सो बाई दीज टू टेक्निक्स वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट पॉलीमोफ्स नाउ द Important questions. So, by now we have finished the two important topics that is physical form and polymorphism. There are three important questions like uh, differentiate between amorphous and crystalline solids, amorphous forms are more soluble than crystalline forms, why define polymorphism and it's important in the pre formulation studies. I think during my lecture I have answered all these three questions. And in the coming videos, we will discuss some more physical properties which are studied during the pre formulation and followed by the chemical properties. Thank you so much.